सो हाय एवरीवन, सो जैसे कि कोरोना टाइम चालू है तो सब बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े डॉक्टर्स लगे पड़े वैक्सीनेशन ढूंढने के लिए। एट द सेम टाइम बड़े बड़े कंपनीज भी लगे पड़े कि कुछ नया चीज़ इन्वेंट करे ताकि लोगों को जल्दी पता चल जाए कि ना और कुछ सिम्टम्स है वैसा। तो आप अभी ये टाइटल देखिए, वीडियो का टाइटल देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, गो की जो फिटनेस बैंड है उसने रिसेंटली एक फिटनेस बैंड बनाया था, दैट इज कॉल्ड एज गो की वाइटल 3.0, जिसमें उसके पास एक नया फीचर है जो आप कोई भी दूसरे फिटनेस बैंड में नहीं देख सकते हो, और वो है कि ये नया वर्जन वाइटल 3.0 आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकता है। सो आपको ही पता है कि जैसे कि वन ऑफ द बेसिक सिम्टम्स ऑफ यू नो कोरोना जो है, जो क्लोज सिम्टम्स है, दैट इज फीवर। सो टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर, जैसे कि आपको टेम्परेचर या फीवर आता है सो यू हैव टू गो फॉर कोरोना टेस्ट। आपको डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको एज पर ICMR आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, देन यू हैव टू बुक द टेस्ट और वो टेस्ट करके ले। ये जो वाइटल 3.0 है गोकी ने जो स्मार्ट ये सॉरी गोकी ने जो फिटनेस बैंड निकाला हुआ है, सो ये डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन फ्यूचर। जस्ट अभी भी नहीं, इन फ्यूचर अगर कुछ ये रहेगा तो ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है जो गोकी ने किया हुआ इन फिटनेस बैंड। एंड आई गेस ग्रेजुअली हम लोग ये और भी दूसरे फिटनेस बैंड में भी देखेंगे। सबको पता है कि गोकी के ब्रांड एम्बेसिडर द ग्रेट एक्टर अक्षय कुमार है, तो उनने रिसेंटली महाराष्ट्र पुलिस को ये गोकी का फिटनेस बैंड दिया था, बिकॉज दिस इज रियली प्लेइंग वन ऑफ द यू नो इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर करियर, बिकॉज उन लोग दिन भर बाहर रहते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड टू यू नो आइडेंटिफाई कि क्या चल रहा है कैसा चल रहा है। बाय द टाइम वो घर पे आते हैं दे आर एग्जॉस्टेड, पता भी नहीं चलेगा कि बीमारी आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये डेफिनेटली उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि ये अभी तक सबके हाथ में नहीं आया, लकीली मेरे हाथ में है। सो ये है, सो एज ऑफ नाउ ये पूरा पैक्ड है, मैं भी इसको पूरा खोल के आपके सामने दिखाऊंगा। ये प्रॉपर ऐसा अनबॉक्सिंग विनबॉक्सिंग टाइप का कुछ वीडियो बनने नहीं वाला, मैं इसे इसे खड़े खड़े खोलने वाला हूँ, आपको ही पता चलेगा क्या है। अगर आपको ये खरीदना है तो मुझे कमेंट पे बता देना, और जैसे कुछ मेरे को अपडेट मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन पे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डालने वाला हूँ, सो दैट इफ यू वांट टू बाय दिस वॉच आप डायरेक्टली जाके वहाँ से खरीद सकते हो। तो अभी मैं कुछ ऐसा बिना बकबक किए मैं सीधा एक इसको खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि कैसा है क्या है। ओके, एक और चीज़, इसको भी कलर डिस्प्ले है जो पहले स्मार्ट वॉच में नहीं था, मेरे पास है ऑलरेडी एक गोकी जो भी चार्जिंग पे रखा हुआ है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। सो अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सो यहाँ से ऐसा है, आपको ऐसा पैकेजिंग के साथ आएगा। सो ये देखो, ये ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि दिस इज फॉर टेम्परेचर मॉनिटरिंग, गोकी का ये पहला चीज़ है। एट द सेम टाइम ये हार्ट बीट भी मेजर करता है और आपका ब्लड प्रेशर भी बताता है कि भाई आपका ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है। अभी तक के जितने भी फिटनेस बैंड्स है उसमें अभी तक मैंने जितने भी चीज़ देखे हैं, गोकी इज़ वेरी एडवांस इन टर्म्स ऑफ अदर फिटनेस ब्रांड्स फीचर वाइज। फिटनेस बैंड के हिसाब से बात करेंगे तो ऐसा अभी तक कोई भी मार्केट में नहीं है दैट कैन एक्चुअली बीट गोकी। इवन फिटबिट जो है जो इतने करते दे आर ऑल्सो गुड, बट गोकी के लेवल पर अभी तक कोई नहीं है। सो आपको ऐसा एक छोटे बॉक्स में मिलेगा पैकेजिंग, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर मॉनिटरिंग स्मार्ट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इकोसिस्टम। ओके, सो ये है। सो जो नॉर्मल पुराने फीचर्स थे वो सब है, कर्मा है, कोच है, गोकी कैश है, कोच फीचर भी बहुत अच्छा है जहाँ मैं यूज़ करता हूँ तो आई यू गेट रियली गुड टिप्स। मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट चालू किया तो यू नो बहुत हेल्प करता है वो फिटनेस का, फिटनेस के लिए। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ टू शो कि डिज़ाइन वाइज कुछ मेजर अपग्रेड आया है क्या वॉच में या कुछ है क्या। तो मैं ये खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ओके, तो बॉक्स में आपको कुछ मेजर मिलेगा नहीं, वो यूज़र मैनुअल्स है, तो इसको देख के इधर रखता हूँ मैं। सो जो आपको मिलने वाला है वो है ये बैंड, और उसका जो मिलेगा वो है ये। ओके, कि क्या है, तो आप डायरेक्टली इसको प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। वो पुराने जैसा वो नहीं है कि यार वो रबर के अंदर डालो, तो बहुत सारे इसमें मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने एक दो कई फोरम में पढ़ा था कि ऐसा डालते समय ये जो चिप वाला पार्ट रहता है वो शायद एक दो लोगों का खराब हो गया था, बट दैट इज़ फाइन। लेकिन ये एक बहुत अच्छा अपग्रेड है उसके एज पर दैट, सो ओवरऑल चीज़ अच्छा है। अभी अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर मॉनिटरिंग कैसे करेगा ये,
सो यहाँ पे देखो, यहाँ क्लियरली ये दो चीज दिया हुआ है, ये देखो ये एक सेंसर है, ये दोनों सेंसर ही रहेंगे ये। तो बेसिकली यहाँ से यू नो, यहाँ से यू कैन ये जो डिवाइस है इसके अंदर, दिस विल हेल्प यू टू एक्चुअली मॉनिटर योर टेम्परेचर, और आपका हार्ट बीट भी यहीं से ही मॉनिटर होएगा। सो आई थिंक हाँ अभी क्लियर है आपको। तो ये दो चीज़ें सेंसर रहेगा और ये टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए रहेगा। होप इतना तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो दूसरे पुराने वॉच में हम लोग को ये टेम्परेचर का फीचर मिलेगा, बिकॉज नॉट जस्ट डिवाइस, उसके अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं जैसे कि ये है इधर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इट कैनॉट बी अ सॉफ्टवेयर अपडेट, हार्डवेयर अपडेट भी चाहिए जो इसमें है। गोकी को मैं बोलना चाहता हूँ कि गोकी गाइज हैव डन ग्रेट जॉब इन दिस। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो मैं गोकी के फोरम्स का भी लिंक दे दूंगा, जहाँ पे डिस्कशन चलता रहता है चीज़ों के बारे में। आप उसके बारे में भी वहाँ पे भी जाके इन डिटेल देख सकते हो। अगर आपको और भी कुछ चीज़ जान, तो हम लोग प्रॉपर टेस्ट करेंगे। तो बाय दैट टाइम जब हम लोग टेस्ट करेंगे, आपके पास कुछ क्वेरी रहेगा इस वॉच के बारे में। हाँ बाय द वे, ये वॉच का प्राइस है 3999, दैट इज़ अराउंड 4000 रुपीज़ एंड वर्थ है अभी कोरोना के टाइम पे। इससे अच्छा क्या रहेगा, आपका टेम्परेचर मेजर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और भी कुछ डाउट रहेगा इसके अलावा आपको, अपार्ट फ्रॉम प्राइस और समथिंग एल्स, टेक्निकलिटी कैसे काम कर रहा है इसका, कर्मा और कोच सब कुछ कैसे काम करेगा, डेटा सिंक पुराने इसमें से अगर आप स्विच कर रहे हो ओल्ड टू न्यू, पूरा डेटा सिंक कैसे कर सकते हो, वो सब मैं पूरा प्रॉपर में बताऊंगा आपको इसको। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई मैं हूँ, कुछ भी हो। और एक और चीज़ भाई, प्लीज़ 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 बी सेफ, जो भी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। कोरोना एक ऐसा बीमारी नहीं है कि यार आपको मतलब ये बिल्कुल ये नहीं करेगा। द रीज़न वाई इतना सारा प्रिकॉशन लिया जा रहा है बिकॉज अभी तक उसका वैक्सीनेशन नहीं है। बिकॉज मैं खुद अभी डेली बेसिस का ऑफिस में ट्रैवल कर रहा हूँ, सो आई नो हाउ हार्ड इट इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ हेल्पिंग यू गाइज टू बी हेल्दी, और जो आपके लिए फाइट कर रहे हैं बाहर जाके कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, या जो भी पुलिस वाले लोग हैं, सब लोग हैं, सब लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू प्लीज़ स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, अभी टाइम है यार फैमिली के टाइम बिताने के लिए, नहीं तो ये टाइम कभी नहीं आने वाला वापस। ये टाइम है यूटिलाइज़ करो, बहुत सारे नए चीज़ है जो आने वाले इन फ्यूचर, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत चेंज होने वाला है। सो बी अ पार्ट ऑफ इट, हेल्प गवर्नमेंट, हेल्प पीपल, हेल्प एवरीवन हु इज़ helping you to fight corona. Thank you.